I'm Ratnabhushan. Welcome to the program ASGIS. ASGIS believe in quality, commitment and success. Join our Success Foundation course. रविवार को जनता कर्फ्यू. रविवार को जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री की कोरोना से निपटने में संकल्प और संयम की अपील. अपने घरों में रहने की अपील कर लोगों से मांगे कुछ हफ्ते. कहा बच्चों व बुजुर्ग बाहर न निकले, एहतियात जरूरी. कोरोना ने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है. प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतने देश प्रभावित नहीं हुए थे. श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री. महामारी से बचाव के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन. सुबह 7 से रात 9 बजे तक देशवासी खुद पर लगाएं कर्फ्यू. प्राइवेट सेक्टर से आग्रह, अपने कर्मचारियों के वेतन नहीं काटें. आश्वासन दिया, जरूरी सामान की कमी नहीं, बेवजह संग्रह न करें. मोदी मंत्र. प्रधानमंत्री ने हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ का नारा दिया. बचाव को ही सबसे बड़ा उपाय बताया. जरूरी सेवाओं में जुटे लोग राष्ट्र रक्षक, वे कोरोना व आपके बीच. हर एक भारतीय को सतर्क और सजग रहने की जरूरत. वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से बचाव के लिए एक तरफ जहां जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कड़ी तोड़ने के लिए जनभागीदारी की अपील की है. कोरोना को लेकर गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है और बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है. उन्होंने जनता से अपील की है कि कुछ हफ्ते घर से बाहर नहीं निकलकर इस संक्रमण से बचे. उन्होंने कहा कि आगामी रविवार को सुबह 7 से रात 9 बजे तक सभी लोग जनता कर्फ्यू के तहत अपने घर में ही रहें. यह जनता के लिए जनता के द्वारा लगाया गया कर्फ्यू होगा. कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई के लिए कुछ वक्त की मांग करते हुए प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया है कि आने वाले कुछ दिनों तक संयम और संकल्प के साथ काम करना होगा. फिलहाल भारत ऐसे देशों में शुमार है जहां कोरोना का बहुत असर नहीं दिखा है. हालांकि प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि ऐसी सोच ठीक नहीं है कि हम बचे हुए हैं. कई देशों में देखा गया है कि यह एक बारगी बहुत तेज़ी से फैलता है. तभी अभी तक कोरोना के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है. ऐसे में एहतियात जरूरी है. आधे घंटे के संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपसे अपील करता हूं कि अगले कुछ हफ्ते आप सब अपने घरों से बाहर न निकले. बाहर तभी निकले जब बहुत ज़रूरी हो. आप व्यापारी हो या सर्विस क्लास, जहां तक हो सके घर से काम करें. उन्होंने कहा कि कोरोना ने विश्व भर में पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है. प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इतने देश प्रभावित नहीं हुए थे. आज मैं आप सबसे कुछ मांगने आया हूँ. मुझे आने वाले कुछ सप्ताह चाहिए. दरअसल जनता कर्फ्यू के जरिए प्रधानमंत्री देशवासियों में सोशल डिस्टेंसिंग की आदत डालना चाहते हैं ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा कम हो. उन्होंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया कि वह जनता कर्फ्यू को लागू कराने में मदद करें. मोदी ने कहा कि जनता कर्फ्यू में सिर्फ डॉक्टर, मीडिया, अस्पतालों एवं एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों को ही छूट मिलेगी. यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि इस दौरान रूटीन चेकअप, किसी ऐसे ऑपरेशन जिसे टाला जा सकता हो उसे से भी बचें. प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों, मीडिया, सफाई कर्मचारियों, होम डिलीवरी करने वाले कर्मियों आदि के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनता कर्फ्यू के दौरान भी शाम 5 बजे मिनट के लिए घरवाजे के दरवाजे व बालकनी से ताला, ताली, थाली या घंटी बजाकर ऐसे लोगों को धन्यवाद दें. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कर्फ्यू तय करेगा कि हम कोरोना से लड़ाई के लिए कितने तैयार हैं. COVID-19 टास्क फोर्स गठित. कोरोना के आर्थिक पहलू से भी जनता को रूबरू कराते हुए विकसित देशों पर भी इसका प्रभाव दिख रहा है. ऐसे में 130 करोड़ की आबादी वाले विकास के प्रयत्नशील भारत के सामने कोरोना का संकट बड़ा है. उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गठित COVID-19 टास्क फोर्स का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक पहलू से निपटने के लिए फैसले लिए जाएंगे. उन्होंने व्यापारी व उच्च वर्ग से आग्रह किया कि जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते रहे हैं उनका ध्यान रखें, वेतन न काटें, पूरी मानवीय संवेदनशीलता के साथ फैसला करें. प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि दवाइयाँ व खाने पीने की कमी नहीं हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाएं, जारी रखें, जरूरी सामान संग्रह करने की होड़ न लगाएं. मैं प्रधानमंत्री जी की इस विनम्रता और इस प्रयत्न को बधाई देता हूं और हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर परिवार वाला, हर समाज का वो तबका जो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, आगे है, संकल्प और संयम के साथ इस रविवार को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हम सभी लोग इस कर्फ्यू का पालन करेंगे. न्यायिक सेवा परीक्षा में भाषा नहीं होगी बाधक.
सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS के गठन के प्रयास का ऐलान करते हुए कहा कि न्यायिक क्षेत्र में सुधार के लिए प्रस्तावित है। कानून मंत्री श्री रविन्द्र शंकर प्रसाद ने राज्यसभा को बताया कि इस परीक्षा में भाषा बाधक नहीं बनेगी, सरकार इसके लिए 4 जोन बनाने पर विचार कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को उच्च सदन को संबोधित करते हुए सभी हाईकोर्ट समेत AIJS के सभी साझेदारों से अपील की है कि वह अपने पारंपरिक और रूढ़िवादी विरोध को छोड़ दें और इस महान न्यायिक सुधार का समर्थन करें। प्रश्नकाल के दौरान एक अनुपूरक सवाल में केंद्रीय मंत्री ने पूछा गया कि क्या सरकार AIJS की परीक्षाएं 29 भाषाओं में कराने पर विचार कर रही है। इस सवाल के जवाब में प्रसाद ने कहा कि AIJS की परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तर्ज पर कराई जाएगी, जैसे IAS, IPS और अन्य सेवाओं के लिए UPSC परीक्षाएं कराता है। उन्होंने कहा कि जब भी IJS की बात होती है यह मुद्दा उठाया जाता है कि असम के लोग तमिलनाडु कैसे जाएंगे, तो क्या IAS लोगों की तैनाती तमिलनाडु में नहीं होती, क्या केरल के लोग बिहार नहीं जाते, क्या वह लोग भाषा नहीं सीखते। उन्होंने न्यायिक सुधार की इस पहल को बेहद खास बताते हुए सभी भागीदारों से इसे सफल बनाने की अपील की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार विचार कर रही है कि AIJS की पूरी देश में 4 श्रेणियां होंगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के लोग इन्हें समूह में बटेंगे, इसलिए भाषा की समस्या भी नहीं करे रहेगी। उन्होंने बताया कि इस विषय में कई राज्यों सरकारों हाईकोर्ट के विरोध के बावजूद इस न्यायिक सुधार के सभी भागीदारों से इस पर सहमति बनाने का सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रस्तावित AIJS से अच्छा टैलेंट पूल बनेगा, अगर हमें IAS, IPS, IFS मिल सकते हैं तो UPSC जैसी संस्था की तर्ज पर AIJS का लाभ क्यों नहीं लिया जा सकता। नारी शक्ति। नारी को सम्मान, सृजन और शक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारे वेद और ग्रंथ नारी शक्ति के योगदान से भरे हैं। नारी शक्ति को चेतना का प्रतीक माना गया है। महिला शब्द में ही ममता, मृदुलता, मातृत्व और मानवता का समावेश है। शास्त्रों में कहा गया कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। नारी को कोमलता, क्षमाशीलता, सहनशीलता की मूर्ति माना जाता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर नारी चंडी बनने से परहेज नहीं करती। भारतीय उपासना पद्धति में तो स्त्री तत्व की प्रधानता पुरुष से अधिक मानी गई है। शिव को भी शक्ति स्त्री का सहारा है। प्रकृति ने वंश वृद्धि की जो जिम्मेदारी नारी को दे रखी है वह न केवल एक दायित्व अपितु एक चमत्कार भी है। अथर्वेद में नारी को सत्याचरण अर्थात धर्म का प्रतीक माना गया है, यानी कोई भी धार्मिक कार्य उसके बिना पूरा नहीं हो जाता। नारी के इस तमाम गुणों की वजह से प्राचीन समय में परिवार की मुखिया माता हुआ करती थी, लेकिन गुजरते समय के साथ यह नियम बदल गया और आज घर का मुखिया प्राय पुरुष होता है। आज महिलाओं का उत्पीड़न भी बढ़ता जा रहा है, इसके बावजूद आज की नारी आर्थिक व मानसिक रूप से आत्मनिर्भर है और शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण वह पहले के मुकाबले अधिक जागरूक है। शिक्षा की वजह से न केवल नारी आत्मनिर्भर हुई है बल्कि रचनात्मकता में भी पुरुषों के दबदबे वाले क्षेत्रों में अपनी बुलंदी का झंडा फहरा रही है। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी से एक महिला ने पूछा, स्वामी जी आपने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, मैं अपने बेटों को वहीं पढ़ाना चाहती हूँ। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वह विश्वविद्यालय टूट चुका है। इस पर महिला ने पूछा कि वह विश्वविद्यालय कौन सा था। स्वामी जी ने कहा, वह विश्वविद्यालय मुझे जन्म देने वाली माँ थी जो अब संसार में नहीं है। संकट की इस घड़ी में प्रकृति के संदेश को समझे। यह आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लिखा है दैनिक जागरण में। कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजा मौजूदा संकट यही सिखाता है कि हमें अपने समान ही दूसरी की भी चिंता करनी चाहिए। संक्रामक रोग और महामारी मानव जाति के लिए कोई नई बात नहीं है, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस का प्रकोप हम सबके जीवन काल में एक नई घटना है। मेरी संवेदना उन डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स,
स्वास्थ्य कर्मियों तथा उन सभी लोगों के साथ भी है जो अपने जीवन को जोखिम में डालकर मानव जाति की सेवा कर रहे हैं। गंभीर संकट की इस घड़ी में देशवासियों ने जिस समझदारी और परिपक्वता का परिचय दिया है उसकी मैं सराहना करता हूँ। उनके सहयोग से सभी संस्थाओं के लिए समन्वय के साथ मिलजुल कर काम करना संभव हो पा रहा है। हमारे स्वास्थ्य सेवा संस्थानों ने इस असाधारण और निरंतर बढ़ती हुई चुनौती से निपटने में बहुत मुस्तैदी दिखाई तथा अपनी दक्षता का परिचय दिया है। हमारे नेतृत्व और प्रशासन ने परीक्षा की इस घड़ी में अपनी क्षमता सिद्ध की है। मैं आश्वस्त हूँ कि हम एकजुट होकर इस संकट का सामना कर सकेंगे। इस महामारी ने हमें अन्य लोगों के साथ सम्मानजनक दूरी बनाए रखने के लिए विवश कर दिया है। अपने विवेक से अथवा चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य किया गया एकांतवास हमारी अब तक की यात्रा और हमारे भविष्य के मार्ग पर चिंतन मनन के लिए एक आदर्श अवसर सिद्ध हो सकता है। आज के इस कठिन दौर से गुजरते हुए हमें इस चुनौती को एक अवसर में बदलना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि इस संकट के जरिए प्रकृति हमें क्या संदेश देना चाहती है। प्रकृति से हमें अनेक प्रकार के संदेश मिल रहे हैं और लेकिन मैं केवल कुछ ही पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। हम जानते हैं कि इस संकट का सबसे अस्पष्ट और पहला सबक है साफ सफाई। एहतियात बरतना ही कोरोना से निपटने का एकमात्र तरीका है और इसके लिए डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा सभी लोग साफ सफाई पर ध्यान दें। स्वच्छता अच्छे नागरिक के मूलभूत गुणों में शामिल है। इन गुणों को कम महत्व दिया जाता रहा है। स्वयं महात्मा गांधी ने इन गुणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए हमें प्रेरित किया था। वह यह दक्षिण अफ्रीका और भारत में उनके ऐतिहासिक अभियानों का महत्वपूर्ण अंग रहा है। वर्ष 1896 में गांधी जी भारत यात्रा पर आए हुए थे। उसी समय बंबई में प्लेग फैल गया। प्लेग की रोकथाम के लिए एक स्वयंसेवी के रूप में उन्होंने शौचालयों की स्थिति देखी और लोगों को प्रेरित किया कि वे स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। हमें अपने दैनिक जीवन में गांधी जी की शिक्षाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है और उनकी 150वीं जयंती में हम सभी स्वयं को निजी और सार्वजनिक सफाई के लिए लक्ष्य के प्रति नए उत्साह के साथ समर्पित कर सकते हैं। हमारे लिए अगला सबक यह है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। मनुष्य एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसने अन्य सभी प्रजातियों पर आधिपत्य जमाकर पूरी धरती का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। उसके कदम चांद तक पहुंच गए हैं लेकिन विडंबना देखिए कि इतनी शक्तिशाली मानव जाति अभी एक वायरस के सामने लाचार है। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि आखिर हम सभी मनुष्य जीवधारी मात्र हैं और अपने जीवन के लिए अन्य जीवधारियों पर निर्भर हैं। प्रकृति को नियंत्रित करने और अपने लाभ के लिए सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की तैयारी छोटे से विषाणु के एक ही प्रहार से तहस नहस हो सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज प्रकृति को माँ का दर्जा देते थे। उन्होंने हमें सदैव प्रकृति का सम्मान करने की शिक्षा दी लेकिन इतिहास के किसी मोड़ पर हम उनके दिखाए मार्ग से हट गए और हमने परंपरागत विवेक का परित्याग कर दिया। अब महामारियां और असामान्य मौसमी घटनाएं आम तेजी से हो रही हैं। समय आ गया है कि हम थोड़ा ठहर कर विचार करें हम यह कहां भटक गए और यह भी सही रास्ते पर कैसे लौट सकते हैं। विश्व समुदाय के लिए समानता का सबक उतना स्पष्ट नहीं रहा लेकिन प्रकृति यह संदेश देती जा रही है कि उसके सामने हम सब बराबर हैं। जाति पंथ क्षेत्र या अन्य किसी मानव जाति निर्मित भेदभाव को वायरस नहीं मानता। इस तरह के भेदभाव अपने पराये के झगड़े में दुनिया लिप्त रहती है फिर अचानक एक दिन कोई गंभीर जानलेवा खतरा हमारे समक्ष आ खड़ा होता है। तब हमें समझ में आता है कि मनुष्य के रूप में हमारी एक पहचान है कि हम सब हर स्थिति में केवल और केवल इंसान हैं। सामान्य परिस्थितियों में हम परस्पर निर्भरता के जीवन मूल्य का भी प्रायः अनदेखी करते हैं। अपने संबोधनों और वक्तव्यों में मैं प्रायः वसुधैव कुटुंबकम के सद्विचार का उल्लेख करता हूँ। इसका अर्थ है संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है। यह कथन आज के संदर्भ में जितना सार्थक है उतना पहले कभी नहीं रहा। आज हमारे सामने यह स्पष्ट है कि हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हम सब वहीं तक सुरक्षित हैं जहाँ तक हम दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। हमें केवल मनुष्यों की ही नहीं अपितु पेड़ पौधों और पक्षियों की सुरक्षा भी करनी है। असाधारण संकट आने पर अधिकांश लोग स्वार्थी हो जाते हैं लेकिन मौजूदा संकट यही सिखाता है कि हमें अपने समान ही दूसरों की चिंता करनी चाहिए। यह महामारी अति संक्रामक है इसलिए लोगों को एकजुट करके स्वैच्छिक सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। फिर भी वायरस की रोकथाम और उन्मूलन के काम में लोग कई तरीके सहायता कर सकते हैं। प्रकृति हमें यह स्मरण कराना चाहती है कि हम पूरी विनम्रता के साथ समानता और परस्पर निर्भरता के मूलभूत जीवन को मूल्यों को स्वीकार करें। लेखक भारत के राष्ट्रपति
श्री रामनाथ गोविंद, आपको मेरा सत सत प्रणाम।